सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड में पदस्थापित CDPO यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी साधना चौधरी अपने 24 वर्ष के सेवा काल के उपरांत शुक्रवार को रिटायर। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। गमरिया प्रखंड CDPO साधना चौधरी के सेवानिवृत्ति पर प्रखंड मुख्यालय सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गमरिया प्रखंड अंचलाधिकारी समेत सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी ने CDPO साधना चौधरी के कार्यकाल की सराहना की। मौके पर उन्होंने कहा कि सेवा काल के 24 वर्ष के दौरान उन्होंने जीवन का बहुमूल्य समय नवजात शिशु गर्भवती मातृत्व के देखभाल में बिताया है। नवजात शिशु व गर्भवती महिला माता के पोषण के क्षेत्र में भी समर्पण के साथ कार्य किया है। इन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी यह महिला एवं शिशु विकास के क्षेत्र में काम करेंगी। 2000 अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। सरकारी नौकरी में परिस्थितियां कठिन रहती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी रहती है, लेकिन हम उसका रोना धोए करेंगे तो काम कभी नहीं कर सकेंगे। कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें, और हमारा जो पैतृक कार्य है छोटे बच्चों से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती महिला को और धात्री महिलाओं को सुपोषण युक्त रखे और मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर में कमी लाए, तो हमारा फोकस इसी पर रहा है और हम लोग इस पर बखूबी काम करने का कोशिश की हैं और इस पर काफ़ी कुछ अच्छा किया हम लोगों ने। काफ़ी बच्चों को हम लोग ने MTC सेंटर भेज कर उसका ग्रोथ का अच्छा सुधार करवाया है, और मैं इस सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उन कार्यों को करती रहूँगी कि वो अब मेरे खून में बस गए, तो उन कार्यों को मैं करती रहूँगी। तो मेरा ICDS के प्रति एक बहुत लगाव है और मैं और मेरा आगे भी लोगों को यही संदेश रहेगा कि ये एक सेवा में रहते हुए, नौकरी में रहते हुए, सरकार की तरफ से पैसा पाकर भी हम लोगों को एक सामाजिक दायित्व निभाने का एक मौका मिला है और इसको कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24।